सुपर हिट्स 93.5 एफएम पर। और पिछली शुक्रवार को हमने क्या किया था ना कि एक मस्ती वाला बउआ किया था जिसमें हमने टीवी चैनल पर जो एंकर्स आते हैं वो कैसे पैनल को बिठा के डिस्कशन करते हैं उस बारे में किया था। तो किसी ने कहा भाई क्या उस चीज को वापस दोहरा सकते हो थोड़ा अलग स्टाइल में, तो बउआ बन गई हमने सेम टीवी रिपोर्टर्स जो होते हैं एंकर्स होते हैं, थोड़ा मस्ती करी है। हम लोग एक ही फील्ड के हैं, एड मीडिया मीडिया भाई भाई, बुरा नहीं मानना ये, सुनो मस्ती का करी। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन जी? बउआ बोल रही हूँ, आप तैयार हैं? अरे यार कहाँ जा रहे हो? एक सेकेंड, आप लोगों का स्वागत है, मैं हूँ कभी ज्ञान प्रकाश यानी बउआ, और इस कभी कभी महामुकाबले में आपका स्वागत है। मेरे साथ पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता नंद किशोर बैरागी और जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि भाई साहब। हेलो, हाँ आप जनता की तरफ से हमारा साथ देंगे बैरागी जी? जनता की तरफ से एक सेकंड, बड़े मुकाबले में आपको हमने बुलाया है बैरागी जी। आज का जो टॉपिक है मुकाबले का, इसमें हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो गब्बर सिंह था शोले पिक्चर का जी, भाई कौन जो चरित्र चित्रण गब्बर का किया गया, उसे एक विलेन बनाया गया था, आप कहते हैं वो विलेन नहीं था, दूरदर्शी था? देखिए गब्बर पहले दिन से गब्बर का फोकस बहुत ही क्लियर था। गब्बर एक सेकंड रुकिए भाई साहब। हाँ जी एक सेकंड, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। ब्रेक ले तो लो, काटे मारूंगा साले तेरे को मैं। फोन नहीं काटेंगे हम आप, मेरा नाम कभी ज्ञान प्रकाश, मैं बैरागी, बात सुनिए। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान एक सेकंड बैरागी जी, आप बता रहे थे गब्बर का फोकस फर्स्ट डे से क्लियर था, वो हमेशा यही कहता था हाथ हाथ हाथ। वो थूकता क्यों था? स्वच्छता अभियान चल रहा है। वो थूकता नहीं था, वो हाथ मांगता था, हाथ मांगता था। एक सेकंड रुकिए, इस बड़े मुकाबले में मैं कवि ज्ञान प्रकाश फिर से ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बड़ी कर्मठता से जुझारूपन दिखाती हूँ जी, बिल्कुल। आपको मैं कहना चाहूंगा जी, बताइए। हमारे साथ जनता के प्रतिनिधि भाई साहब। अरे भाई साहब के बच्चे, एक सेकंड, आपसे चाहते हैं कि आप इस डिस्कशन का हिस्सा बने बैरागी जी। अरे यार एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि अगर गब्बर ने ठाकुर के हाथ काटे तो गब्बर ने सही किया? बिल्कुल सही किया गब्बर, कैसे सही किया? मैं आपको रोकना चाहूँगा। ठाकुर के हाथ कटते ही रामलाल को रोजगार मिला और यहीं से मिनिमम रोजगार गारंटी की योजना शुरू हुई। बहुत बढ़िया, एक तालियां बजाइए, एक और रोजगार तालियां बजाइए। क्या बोले जा रही है कौन? बैरागी। एक सेकंड, एक आखिरी बैरागी जी, इस बड़े मुकाबले में मैं कवि ज्ञान प्रकाश आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, ये शोले की कहानी सच है या गलत है? ये एक नंबर की झूठी कहानी है, अगर आप गौर दें तो। झूठी कहानी? जनता से झूठी कहानी तो मेरा दिमाग खा रहे तुम दोनों इतनी। एक सेकंड, ये झूठी कहानी कैसे? नंद किशोर बैरागी जी बस एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप बताइए शोले की कहानी झूठी कैसे? शोले फिल्म में जिस वक्त जया बच्चन ढिबरिया जला रही है तेल में, यानी कि गाँव में बिजली नहीं है। एक सेकंड, वो लालटेन जला रही है, बिजली गाँव में नहीं है, नहीं है। और उसी के साथ फिल्म में दिखाया गया गांव में पानी की टैंकी बिठाई गई है, जहां वीडू चढ़ के बसंती बता रहा है। जब पानी की टैंकी है उसमें पानी चढ़ाने के लिए मोटर तो चाहिए, मानते हैं? हाँ। जब बिजली नहीं है तो मोटर कैसे चाहिए? मोटर नहीं, हाँ वहाँ तो लाइटिंग जला दी। तो पानी की टैंकी में पानी रामलाल का बाप चढ़ाता था, ये जानना चाहता हूँ। जनता आप बताइए। एक सेकंड, जनता जनता बहुत ही कुत्ता आदमी हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुकाबले का ये अंत होता है, हमारी गंदा है। मैं कभी ज्ञान यानी बहु आपसे फिर भी डालूंगा अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पे, फिर से स्वागत होगा आपका, शुक्रिया। हेलो हेलो, मैडम जी बोल रहे हो? हाँ जी मैडम जी, ऐसे जी मुंडे नु बाहर भेजना है। तुसी कितों बोल रहे हो? मैं जलंधर हूँ जी। अच्छा, की क्वालिफिकेशन की है बच्चे दी? नहीं नहीं, मुंडा साडा ही है जी। नहीं नहीं, की पढ़िया किन्ना है, केडी क्लास तक पढ़िया साडा? जेड़ा साडा पिंड है ना जी, पिंड च स्कूल है उत्थे पढ़िया है। केडी क्लास तक? कलास ओदी जी, गेट बढ़ते सारे ना स्कूल दे खबे पासे तीसरा कमरा। तुसी कौन बोल रहे हो? मैं प्रीतपाल बोल रहा हूँ जी। प्रीतपाल, ओके okay. काम करो फिर ओदे ना सारे डॉक्यूमेंट लाके आ जाओ। रजिस्ट्रियां नहीं चाहिए मेनू, बच्चे दे स्कूल दे जेड़े भी सर्टिफिकेट है ना वो सारे सर्टिफिकेट लाके। मैडम ने ना स्कूल शेडा जितियां बड़ियां वो लेके आवा नाल। मैडम ट्रॉफी? हाँ जी। फिर तुसी बाहर कनाडा भी भेजोगे ना? मैडम मैं तो तुहानू पता होगा असी तो अनपढ़ बंदे हां जी, ता ही तुहाडे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਓਕੇ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨੀ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨੀ ਆ ਫੇਰ ਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਹੈ ਮੇਰਾ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋਟਲ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਫੋਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੈਡ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਫੋਨ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੋ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਾ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲੈਂਦਾ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੂਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਕਪਨ ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਓ ਅੱਛਾ ਨਿਤਿਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਕੁਕੜੂ ਕੁੜੂ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਂਕ ਆਰਮੀ ਫਾਰ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬਹੂਆ ਬੋਲਿਆ मैं क्या करूं जल्दी बोल जो बोलना है आवाज थोड़ी सी कट रही थी मैं कह रहा हूं इंसान में ना हाँ जी पेशेंस नहीं रह गया पेशेंट इंसान ही हो गया ना अब पेशेंस इंसान में कैसे रहेंगे नहीं मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन वो हल्के में निकालता है जबकि उसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जड़ से उखाड़ना चाहिए जड़ से कैसे उखाड़ना चाहिए सपोज तम्बाकू है टोबैको हाँ टोबैको ईटिंग इज इंजीनियर्स टू हेल्थ इंजीनियर्स नहीं सासे इंजीनियर्स टू हेल्थ अगर टोबैको खत्म करना है जड़ से उखाड़ना तो क्या करना चाहिए बैन कर दो साले नहीं नहीं फिर तू बैन करेगा आदमी कहीं और से निकाल के खाएगा प्रॉब्लम है निकाल के खाएगा एक सेकंड सोल्यूशन ये है हाँ जी कि आदमी दांत से तंबाकू चबाता है हाँ दांत तोड़ दो उखाड़ दो हाँ हाँ क्या नंदेगा दांत न खाएगा तम्बाकू तो बढ़िया है इसका मतलब तो तू ये कह रहा कि जनसंख्या रोकने के लिए तो उखाड़ दो सेकेंड कैसे संस्कार मिले आपको कैसे संस्कार तेरे को मिले आप तेरी बात सुन अगर आदमी को डायबिटीज है क्या करना चाहिए है डायबिटीज उसको दवाई दिलवाओ नहीं गन्ने के पेड़ उखाड़ दो गन्ने के सारे पेड़ जला दो अच्छा हर कोई बंदा सड़क पे मूत रहा हो फिर गलत आदमी मच्छर मच्छर की भी समस्या है मच्छर की समस्या है साड़ी कैसे रोक साड़ी साड़ी जो नदियाँ हैं सारा पानी है हाँ। उसे उखाड़ दो उससे दो फायदा होगा उससे क्या फायदा होगा जब पानी नहीं रहेगा तो दूध की नदियाँ बहेंगी दूध में पानी नहीं मिलेगा अच्छा और दूसरा आदमी को मच्छर नहीं काटेगा क्योंकि मच्छर पानी में ही पलते हैं अब जब पानी नहीं रहेगा तो आदमी नहीं मर जाएगा आदमी एक दूसरे का खून पियेंगे क्या एक सेकंड कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है ना नदी चाहिए या मच्छर चाहिए बेटा क्या चाहिए मतलब मुझे तेरी चाहिए फोन काट दे नहीं तो तेरी पका रहा है पटड़ी पे कोई करते है ना दो नंबर उसे रोकने के लिए क्या करना है उखाड़ दो नहीं आंदोलन करो पूछ कैसे कैसे आंदोलन करने पे लोग अपने आप ही पटड़ी उखाड़ देते हैं ना अच्छा अच्छा आराम से बोल सुन लिया ना किसी ने तेरे संस्कार कहाँ से मतलब कैसा आदमी है तू है तेरे संस्कार कैसे बावड़ी बात कर रहा है तू सर फोन का चिड़ा उछल हेलो भाई साहब हेलो हेलो अंकिल नमस्ते अभी भाई साहब तो अंकल हो गया कौन बोल रहा है भाई मैं बहू अभी बड़ा दुखी सा बोल रहा है कौन बोल रहा है समझ नहीं दुखी नहीं मेरा एक दोस्त है
अच्छा वो ना दुखी कर जाए, लोगों को बहुत दुखी करता है। इसका नाम है डगलस फ्रॉम शक्कर का पोवा। शक्कर का पोवा नहीं, सकट नहीं, अब शक्कर का पोवा। बताइए आपको ना मोबाइल में या फेसबुक पे बड़े ऐसे मैसेज आए होंगे कि इसे 14 लोगों के साथ शेयर करें वरना अच्छी खबर बुरी खबर मिले, ऐसा आता है ना? हाँ बनाते लोग बट भेजते रहते। नहीं तो ये हम ऐसा ही एक मैसेज इसने लेटेस्ट बनाया है, बस हमको किसी पे चढ़ाई करना है इसलिए हमने आपको फोन लगाया है। वह तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिला था। नहीं नहीं वो मैसेज सुना दी जो बनाया तूने। सन 1000 सालों से पवित्र नागमणि की रक्षा कर रही नागिन खंडवा जिले में बैठी है, इस मैसेज को तुरंत 14 लोगों को भेजे, शाम तक अच्छी खबर आएगी। अगर जो ना भेजे तो? अगर इग्नोर किया नहीं भेजे तो 5 सेकंड में बुरी खबर आएगी। 5 सेकंड में एक बात बताओ, बुरी खबर तुरंत 5 सेकंड बाद आती, मतलब क्या चक्कर है? आप बताओ भेजोगे नहीं भेजोगे? ना भेजता हूँ, खाड़ ले, क्या उखाड़ेगा तू? नहीं भेजेंगे पक्का? हाँ ना भेज रहा। बुरी खबर आएगी 5 सेकंड में, 5, 4, 3, 2, 1 बुरी खबर। नमस्कार, बुरी खबरों में आपका स्वागत है। अब तक की सबसे बुरी खबर यह है कि आपकी छत पे आने वाला बंदर पहले आपका कच्चा फाड़ के जाता था, अब वो फाड़ के जाएगा आपकी कमीज। तू आया तेरा बंदरा फाड़ दूं तुम दोनों। गलत बोल रहे आप, बुरी खबर आपको हजम नहीं हो रही है? नहीं हो रही, बताएं। 14 लोगों को मैसेज दे दो, वापस से बता रहा हूँ। सन 1000 आज से ही पवित्र नागमणि की रक्षा करती है नागिन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, इस मैसेज को 14 लोगों को भेजिए, कल शाम तक अच्छी खबर, वरना फिर से 5 सेकंड में बुरी खबर। फिर 5 सेकंड में 5, 4, 3, 2, 1 बुरी खबर। नमस्कार, बुरी खबर में आपका स्वागत है। वो जो बंदर आपकी छत पर आता था पहले आपका कच्चा फाड़ता था, वो आपका फाड़ कर जाएगा आपकी कमीज। अरे बुरी कमीज फाड़ देगा बात, या खबर देने वाले से बात करवा जो मैसेज बना रहा। ये भी जगलेश फ्रॉम जगलेश बचियाले भाई। हाँ भाई, 1000 सालों से पवित्र नागमणि नाग की रक्षा कर रही है खंडवा जिला। बोलिए भाई साहब, इस मैसेज को 15 लोगों को भेजें। ये मणि मेरे पास में है, 2 मणि, ठीक है, और एक नागिन की रक्षा कर रहा है बना रहा है घंटा से, ये फोन बंद कर दे। हेलो, सो रहे हो तो बाद में लगा लूँ फिर? हम बाद में कर लो। हेलो, नहीं सही, सीरियसली ना मैं बहुआ, 1 मिनट। हेलो हेलो भाई साहब, फोन कट गया था, सॉरी, शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है यार। फोन देख, सिग्नल तुम्हारा कोई नहीं। सॉरी, मेरे को खासी 2 मिनट चाहिए था आपसे। आई नो आप क्या चाहिए, कितने को? 2 मिनट यार, जल्दी 2 मिनट बस, जल्दी बोलने से इम्पोर्टेंट ये कि आपका तरीका ऐसा हो कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए। बताइए कैसा तरीका, बोल के दिखाता हूँ। ऐसा तरीका कैसा खुश? मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, रात को मैंने देखा एक ड्रीम। अच्छा, रात को मैंने देखा एक ड्रीम, विकोटेडमेडिक आयुर्वेदिक क्रीम। तेरी ये क्या मैं दिल खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, आप गंदा बोल रहे हैं। ये सड़क दिल खुश कर रहा है सुबह सुबह। एक सेकंड, हेलो, जिंदगी ने बड़े दिए धोखे। अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फोन रख, फोन रख, बैठिए बगन। हेलो हेलो भाई साहब, ओए ये मानेगा नहीं तू, फिर आप गंदी बात से शुरुआत कर रहे हैं। क्या शुरुआत कर रहे हैं तू, मान नहीं रहा? मैं दिल खुश करवा रहा हूँ, आप मान नहीं रहे हो। तो दिल घंटा खुश करवा रहा है, क्या क्या बोल रहा है? पुराने जमाने, एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। मीठा होता है गाजर का हलवा, एक सेकंड सुन लो। मीठा होता है गाजर का हलवा, 1, 2, 3, 4 मेरा ही जलवा। हंस रहे की? हेलो, देखा तू भी हंसा की नहीं हंसा ये बता। हेलो, चल एक मेरे से भी सुन ले, इस सेम स्टाइल में आप भी बोलोगे? हाँ देख, सुन भाई ध्यान से सुनियो। हाँ बताइए। लाल रंग से भड़कता है सांड। क्या बात है, लाल रंग से भड़कता है सांड। सांड, ओके, फोन रख दे वरना बाबा। मैं जानता हूँ आगे क्या है, मत बोलिए क्या है। नहीं मैं जानता हूँ, प्लीज मैं बता देता हूँ एक बार। नहीं नहीं आप, नहीं तो तगड़ा शायर है ना, बोल। नहीं आपने बोला लाल रंग से भड़कता है सांड, फोन रख दे वरना हो जाएगा कोई बड़ा कांड। नहीं नहीं तो मैं तोड़ दूंगा तेरी। एक बात बोलो, तू सोते वक्त ज्यादा प्रोटेक्टिव है, समझा? हेलो हेलो हाँ जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं तो बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैं बउआ। अरे मैं तो बहुत मैं भी मैं हूँ। लेकिन आप बउआ हैं? नहीं मैं बउआ नहीं हूँ। तो मैं बउआ हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आप कैसे हो सकते? कमाल, सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ रोशनी है।
अरे नहीं है यार, रॉन्ग नंबर। नहीं रोशनी नहीं है तो फिर बल्ब जला लो ना, मतलब वो है तेरी। सॉरी सॉरी, भाई साहब शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, फोन कट गया था। मैंने काटा है आगे की बात। सॉरी पूजा है? अरे नहीं है भाई, रॉन्ग नंबर है भाई। तो फिर पूजा कटवा लो जी माता जी। हेलो, आरती है? भाई नहीं है आरती, अब कहेगा करवा लो हो रहा है। सॉरी नहीं, वो तो आरती तो आपके यहाँ कैसे, मेरे साथ है आरती। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? भाई साहब सुनना क्यों वैसे जाडी, आपके टीचर ने कभी आपको सीख दी है? ये बस पूछने दी है, सबको देती है, मुझे भी दी है। तो उसमें कबाब डाल के बनाओ ना। एक मिनट सर। हेलो भाई साहब, सॉरी जाडी, क्या करी चीज मत कर। आपके घर में टॉयलेट बना है? अब सबके होता है, तेरे में नहीं है क्या, जंगल जाते हो क्या? नहीं बना है। बना है यार, सबके बना होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो दाल चावल बना है ना। गलत आदमी। हेलो, क्या हुआ, खांसी आ रही है? कम ऑन, नो स्टाइल, दिस स्टाइल। ओके, कौन है भाई? हाँ जी नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, भैया बोल बोल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है डगलस फ्रॉम शकरा कपोवा। कौन सी जगह से है भाई ये? शकरा कपोवा। अच्छा भाई, कहाँ पड़ती है हमें बता, हम भी मिलेंगे तेरे कभी। मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने आपको पहले तो ये पता, स्वैग क्या होता है? स्वैग भाई एक तरीके का वो होता है स्टाइल। हाँ जी भाई, यही स्वैग वाली एक दुकान मैंने और डगलस ने खोली है। अरे मेरे को एक बात बता, तू है कौन, मैं क्या करूँ, तूने दुकान खोली है तू? मैं नहीं, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कोई कुत्ते। ओ क्या कुत्ते कुत्ते कर रहा है? वो सुन ही नहीं रहा पीछे, तेरा फूफा लग रहा है सुनेगा। सॉरी, मैं और मेरे दोस्त डगलस जो है, हम लोग ना गानों में स्वैग भरते हैं। मतलब ये कैसे भर देता भाई तू गानों में स्वैग? ये तो हम एग्जांपल देंगे ना आपको डगलस। चल दे दे एग्जांपल। हैं? दे एग्जांपल दे, फटाफट दे। अबे ये हा 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 कर रहा है, दमा हो गया क्या इसको? दिस इज स्वैग। स्वैग। चल एक सेकंड, अब जैसे ये गाना है इसमें स्वैग भरेगा, गाना सुनना। हाँ मैं मरा कुछ भी ना करा, लव दा मैं डेटा मोबाइल भी चुपा। अरे ओ हेलो डेटा मोबाइल, स्वैग ही अपने घर वालों को सुना, मेरे को मत सुना। एक सेकंड और एक स्वैग सुनिए, इसमें भरेंगे स्वैग। भरिए डगलस। सड़कां दे विच बैठी है गईया, गड्डी दा गोल गोल चले पहिया। एक सेकंड एक गाना और स्वैग भरी इसमें। अरे भाई तू मेरे को मत सुना। धक धक धड़कन दे घोड़े जीवे दौड़े, मौसी ने रसोई बिच तले ने पकोड़े, मैं खावा थोड़े थोड़े पकोड़े तेरी। एक लास्ट सॉन्ग प्लीज प्लीज। चल सुना सुना। अमर बेटा, मैंने मैंने छुए कुछ भी ना हुआ, तेरे होटो से निकले बस बददुआ। ले ओ तेरी छाड़ दूंगा। क्या हुआ? ये चुप कर रहा है, इसको स्वैग भर रहा है। तेरी गालियां मैनू देंदा, मेरी सुन गाल, ओ भाई दी पैन ना कर। तुमको पसंद नहीं है क्या स्वैग? नहीं पसंद है मेरे को, चल पता नहीं क्या कर रहे जा रहा है। होटा विच छुआ मैनू आंदी बददुआ। अरे ओ बद्दू के लड़के, क्या स्वैग भर रहा है? मैं रैपटे नाल मारा तेरा कर दंगा स्वैग। अच्छा स्वैग के, मैं ऐसा स्वैग भरूंगा तो जिंदगी भर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। शट अप कर जा हुन, लगता है रख दिया। ओ के चल।